हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फैम, क्या हाल चाल? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी पुणे वाली जिया और आज एक बहुत ही स्पेशल चीज है। ये देखिए, ये पीछे है मेरी फ्रेंड की फर्स्ट कार। सेकेंड हैंड है, फिर भी बहुत स्पेशल है। तो मैं आज आपको मिलाती हूँ अपने दोस्त से, जो बहुत ही भोला भाला सा है, बहुत ही सिंपल है। अरे नितेश, वेव करो। अरे मैं तुम्हें मिला, क्या कर रहे हो नितेश? जिया, तुम्हें पता ना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैंने तुम्हें ड्राइव के लिए साथ चलने को कहा था। तुम ये वीडियो क्या बना रही हो? नितेश, तुम भी ना बहुत बोरिंग हो। नितेश, नितेश खोलो मुझे, नितेश। नितेश क्या कर रहे हो तुम? नितेश प्लीज मुझे खोलो ना। डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला। मैंने सिर्फ तुम्हें बांध के रखा है क्योंकि मेरी बात सुनकर तुम यहाँ से चले ना जाओ। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिया, मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ। जिया, तुम्हें चाहना मतलब जान को चाहना। देश, अगर तुम मुझे इतना ही चाहते हो तो तुम मुझे नॉर्मली भी तो प्रपोज कर सकते थे। मेरी औकात ही क्या है कि जो मैं तुम्हें प्रपोज करूँ। एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, लाइफ में मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ ना, उतना और कोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आज मेरा बर्थडे है और वो मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। जिया, मैंने तुम्हारे और मेरे नाम का एक टैटू भी बनवाया है। तू पागल हो गई है? उसने तुझे किडनैप किया और तू कह रही है कि तू उससे शादी करेगी, उससे प्यार करती है? जिया, तू ब्लॉगर है, गली का हर लड़का तुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, इसका मतलब तुम सबसे शादी करती फिरोगी? मॉम, गली के लड़कों से लेकर कॉलेज के अमीर से अमीर लड़कों ने मुझे पसंद किया, लेकिन जैसा प्यार नितेश मुझसे करता है वैसा किसी ने नहीं किया। बड़े नसीब से ऐसा प्यार मिलता है माँ। क्या जानती हो तुम उसके बारे में? मैंने पता किया उसके बारे में मॉम, एकदम थर्ड क्लास लड़का है वो। क्या थर्ड क्लास है भैया? गांव में टूटा फूटा घर है उसका, यहाँ पे रहता है चौल में सड़ी सी, वो भी उसकी खुद की नहीं है, किराए की है। एक शादीशुदा बहन है उसकी जो कि अपने पति के साथ उसी घर में रहती है। अरे शादी के लिए चुनना था तो कोई अपनी क्लास का तो लड़का चुनती, थर्ड क्लास लड़के से शादी कर लेगी क्या? क्या बोलेंगे लोग तेरे बारे में और हमारे बारे में? भैया लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मैंने कह दिया बस। जिया, कांग्रेचुलेशंस साले साहब। जिया, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी फैमिली आज ना कल मानी जाएगी, और तब तक तुम हमें अपनी फैमिली समझना। ये देखो, ये मेरी माँ की अंगूठी है, नितेश की दुल्हन के लिए संभाल के रखी थी, आज से तुम्हारी। मम्मी, मैंने राहुल को अपनी फोटो भेजी थी शादी वाली, ताकि आप और राहुल देख सको कि मैं कितनी खुश हूँ, और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। देख जिया, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। लेकिन मम्मी, मम्मी प्रियंका, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? प्रियंका, क्या है ये, इतने सारे बिल्स? सारे कार्ड्स की लिमिट ओवर हो चुकी है। जिसका पति इतनी बड़ी कोचिंग सेंटर चलाता हो, उसकी बीवी का तो इतना हक बनता ही है ना। पैसे वेस्ट करना कौन सा हक है? प्रियंका, तुम्हें पता है मैं पैसे सेव कर, अनजान बच्चों के फ्री स्टडी ऐप के लिए, पता है मुझे, पर ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं है।
है। मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू। अरे मैडम आप वो जिया मैडम हो ना जो वीडियो बनाती हो? मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ। मैडम प्लीज एक सेल्फी मिलेगी? मना मत करना मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। Yeah, it's okay. Thanks, thanks, ma'am. Please, ma'am, आइए। साले क्या कर रहे हैं? ले मेरे बीबी को हाथ लगाता है। मेरे बीबी को हाथ लगाता है। जे जान से मार दूंगा मैं तेरा हाथ। मेरे को गलती नहीं छोड़ दे। छोड़ो, मर जाएगा वो। तेरा यार है क्या वो? जो उसके मरने का तुझे दुख होगा। साला। Hi. Shocked? एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर को इस तरह देखकर, but you know, लाइफ ऐसी ही है, फुल ऑफ शॉक्स। ऐसा ही शॉक मुझे 5 साल पहले लगा था और आज मेरे साथ जो हो रहा है उससे मेरी पूरी लाइफ बिखर गई है। या फिर खत्म हो रही है। मेरी जिया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। 6 महीनों से तुम्हारे पीछे था पागलों की तरह, तब जाकर तुम मिली हो। अब तुम्हें आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। हे फैम, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम ऐसा कुछ सीखते हैं जिससे आप बहुत इजीली फ्लैट बेली पा सकते हैं। आपको अपनी कमर को इस तरीके से गोल घुमाना है। अगर आप 20 बार भी करते हैं तो भी आपको ये सेक्सी वैली मिल सकती है। ये क्या कर रही हो तू? तुम ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनती हो ना, इसलिए मर्द गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। नितेश तुमने मुझे मारा, क्या गलत कर रही हूँ मैं? नितेश तुम्हारी जॉब भी नहीं लगी है, हमारा इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। अरे जॉब नहीं लगी तो क्या बीवी को बेचू रोज? बस से ना ये सब बंद, कुछ ढंग का काम ढूंढ लेना, नौकरी कर लेना, ट्यूशन पढ़ा लेना, समझी? और कल से औरतों वाले कपड़े पहना कर। आपको अपनी कमर को इस तरीके से गोल घुमाना है। See, it is already, I can already feel it. हमारे साले की पत्नी गजब फिगर है भाई साहब। अरे कभी हमें भी लाइव दर्शन कराओ ना यार। हम करते हैं व्यवस्था। बहुत थक जाती हूँ दिन भर काम करके, बॉडी में बहुत थकान है, मुझे प्लीज सोने दो। अदो, ये भी तो काम ही है ना, मेरा मूड है आज, चलो कुछ नहीं होता। अरे नितेश, नितेश प्रियंका, प्रियंका क्या है? तुमने मुझसे बिना बताए बैंक से मेरी फॉर्ज सिग्नेचर करके अपने भाई को 5 लाख रुपए दे दिए। मेरे भाई को पैसे की जरूरत थी इसलिए मैंने दे दिया। जानता हूँ मैं तुम्हारे भाई की जरूरत है, फिर से कोई नई स्कीम लेके आएगा और लोगों के घर बर्बाद करेगा। तंग आ चुका हूँ मैं तुम भाई बहन से, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने डिसाइड कर लिया अब ये मैं शादी नहीं निभा सकता। मेरा बच्चा क्या हो गया बाबा? मम्मा पापा हमें छोड़ के चले जाएंगे।
ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे? हाँ, तेरे पापा जानते हैं मैं कितनी डेंजर चीज हूँ। निकल यहाँ से। क्या बोला था तूने? मितेश के जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे घर वापस आने दो। तू वापस आ जाएगी, लेकिन हमारी जो इज्जत गई उसका क्या? वो वापस आएगी? तू मरे या जिए, हमें तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकल यहाँ से। जिया, मैंने एक बार बोला ना, नहीं। माँ, गलती किसी से भी होती। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, निकल जा यहाँ से। जिया, भैया, 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 माँ, प्लीज, भैया, भैया, दरवाजा खोलो, भैया। जिया शर्मा, पुणे की मशहूर ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर, जो कि सोशल मीडिया से पिछले 2 सालों से गायब थी, आज उन्होंने नासिक की सनराइज सोसाइटी के 7वें माले से कूदकर खुदकुशी कर ली है। ऐसा क्या हुआ कि जिया को पुणे से नासिक आना पड़ा, और ऐसा क्या हुआ जिसके चलते जिया को खुदकुशी करनी पड़ी? इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्राइम ब्रांच वाले भी आज के सर, आजकल लोग कितनी जल्दी गिव अप करके सुसाइड कर लेते हैं। स्ट्रेस बहुत है लोगों की लाइफ में प्राची। अब ये सुसाइड है या अबेटमेंट टू सुसाइड या कुछ और, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। कहाँ रहती थी ये? फ्लैट नंबर 701। सिद्धार्थ। यस सर। पिक्चर्स क्लिक करवाओ, फॉरेंसिक वालों से बोलो कि पूरे एरिया को स्कैन करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। बाबे सर, सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। यस सर। सर प्लीज कम, यही वो फ्लैट है और मैं इसके ओनर हूँ, सूजी डिसोजा। चाबी है आपके पास? जी सर, ये रही। सर, लगता है यहाँ मारपीट हुई होगी, पूरा घर बिखरा पड़ा है। सर यहाँ मोबाइल पड़ा है। सर लॉक है, अनलॉक करवाओ इसे। सर ये इनके घर कोई आया था क्या? नहीं साहब, मैडम सुबह रोज की तरह 10 बजे योगा के लिए गई थी। साहब 3 दिन से घर पर नहीं थे, वो 10:30 बजे आए और मैडम फिर 11:15 बजे वापस आ गई और 11:40 को कूद गई। शरद वापस आया था? जी। शरद कौन? जिया का पार्टनर, वो दोनों लिविंग में रहते थे। अच्छा, तुम कह रहे हो कि 10:30 बजे जो साहब आए थे वो शरद थे? जी। फिर आके वापस बाहर गए? नहीं। उनका नंबर है आपके पास? हाँ, मैं लगाती। मल्टीपल स्टैबिंग लग रही है सर। खड़े सर, बाहर निकलो। सर ये शरद को किसने मारा? प्राची सर, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। घर को सील कर दो, जब तक केस खत्म नहीं हो जाता किसी को भी अंदर नहीं आने मिलेगा। सर घर के अंदर घुस के मारा और किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, जरूर कोई पहचान वाला ही है सर। सर
सर, खून लगा हुआ चाकू मिला है। इसे फॉरेंसिक में भेजो। सर, सर, जिया और शरद 6 महीना पहले यहाँ रहने आया था। मैम, वैसे रेंट डिपॉजिट सब ओके है, फ्लैट में हम दोनों ही रहने वाले हैं। तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट तो है ना? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लगेगा। मैम, एक्चुअली मेरा डिवोर्स अभी होने वाला है और इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है शादी भी हो जाएगी। वैसे फ्लैट आपका है तो आपका ही डिसीजन होगा। आंटी, आंटी प्लीज प्लीज हेल्प अस। एक्चुअली वो दोनों लिवी में रहना चाहता था, मगर अपने इस नासिक जैसे छोटे टाउन में उनको रहने के लिए कौन देता, इसलिए मैंने अपना फ्लैट उन्हें रहने दिया था। ये जिया और शरद की फैमिली में से किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास? सर, उन दोनों का फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। जितना जिया ने मुझे बताया कि वो पूना से अपने अब्यूजिव हस्बैंड से भागकर यहाँ आई थी। शरद ने उनसे अपने कोचिंग क्लास में जॉब दिया। शरद का तो पहले से ही डिवोर्स केस चल रहा था, उस बीच में ही उन दोनों का प्यार हो गया और जैसे ही उसका डिवोर्स केस फाइनल हुआ तब वो दोनों साथ में रहने लगा। तो आपको लगता है कि इनके साथ ये सब कुछ इनके किसी अपने ने किया? पॉसिबल है, क्योंकि शरद का डिवोर्स केस तो पहले से ही चल रहा था और कुछ दिन पहले से ही जिया वो डरी डरी से लग रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। You mean उसका हस्बैंड? Yes sir, जिया का हस्बैंड उसे बहुत मारता था, इसलिए जिया ने आज तक उसे डिवोर्स नहीं दिया। कि उसने कहा था कि जिया जब भी उसके सामने आएगा, he will kill her. प्राची, सर, ये जिया और शरद की पास की डिटेल्स निकालो। Yes sir, पिछले हफ्ते ही शरद की वाइफ और उसका भाई आया था। दोनों ने यहाँ आकर बहुत झगड़ा किया था, जिया को तो धक्का भी मारा था। वो क्या है ना सर, शरद की बेटी काव्या हर वीकेंड यहाँ पे रहने आती है, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। काव्या, मेरे बच्चे, नहीं नहीं बेटा, ऐसे ऐसे ध्यान रख रहे हो तुम दोनों मेरे बच्ची का? देखो देखो उसे चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे बच्ची को। ये कैसी बातें करी हो प्रियंका? लड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं? और तुम्हें अय्याशी करने से फुर्सत है क्या? एक तो इस लड़की के साथ अय्याशी कर रहे हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। प्रियंका जी, ये चोटे मेरे सामने तो काव्या को नहीं आई ना, हो सकता जब नीचे खेलने गई हो बाकी बच्चों के वक्त। हमारी बच्ची तुम्हारी तरह झूठी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कब कहा? पर मतलब तो वही था ना तेरा, काव्या ने मुझे सब कुछ बता दिया, तू कैसे उसे घर का काम करवा रही थी, फैन साफ करवा रही थी और देखो स्टूल से गिर के मेरे बच्ची को क्या हो गया। ये आप क्या बोल रही है काव्या? बेटा ऐसे झूठ नहीं बोलते। हाथ कैसे लगा तुमने उसे? अगर दूसरी बार उसे हाथ लगा ना तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। छोड़, अब देखना मैं कोर्ट में कैसे केस डालूं। शरद, तुम्हें ना दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुम्हारी बेटी को या फिर घर तोड़ने वाली इस जिया। बेचारी जिया बहुत डर गई थी सर, उसे लग रहा था कि अगर उसने शरद को खो दिया तो उसके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। प्राची, सर, ये शरद के फोन में से उसकी वाइफ का नंबर लो और उसका एड्रेस निकालो। यस। कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने चेक किया, ये वॉचमैन जो भी कुछ कह रहा था वही सब कुछ रजिस्टर में लिखा हुआ है। और सर, मैंने आसपास पूछताछ की तो मुझे पता चला कि 11:40 को कुछ जोर से गिरने की आवाज आई, तो यहाँ के वॉचमैन और केबल वाला और कुछ आदमी यहाँ पर खड़े थे, उन्होंने आके देखा कि यहाँ पर जिया की बॉडी पड़ी हुई है। मैंने बिल्डिंग की सीसीटीवी चेक की, बारिश की वजह से बंद पड़े हैं। सोसाइटी ने मेंटेनेंस वालों को बुलाया लेकिन अभी तो कोई आया नहीं। एक काम करो, सोसाइटी के आसपास के शॉप्स में सीसीटीवी होंगे, जिसमें भी फुटेज मिले कब्जे में ले लो। सोसाइटी के बाहर पूछताछ भी करो, हो सकता है किसी ने कुछ अजीब होता देखा हो। और ये जिया के फैमिली का बैकग्राउंड भी पता, ये पुणे से थी ना? यस सर, और सर काफी फेमस ब्लॉगर भी थी। अब तो पता करना और भी आसान होगा। प्राची, उस दिन जो तुमने कहा था कि दोनों को घर में घुसकर मारा गया और किसी ने कुछ सुना भी नहीं, ये बात मुझे भी खटक रही है।
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिया ने पहले शरद का मर्डर किया हो और बाद में खुद सुसाइड कर लिया हो? क्योंकि सर घर की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई हो। सर याद है जिया की फ्रेंड निशा ने क्या कहा था? शरद के साले ने शरद को धमकी दी थी कि उसे जिया और अपनी बेटी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि प्रियंका ने काव्या का शरद से मिलना बंद करवा दिया और उसी वजह से शरद ने जिया को छोड़ने का मन बना लिया। ये हो तो सकता है प्राची, लेकिन अगर उसे सुसाइड ही करना था तो बिल्डिंग से कूदने से पहले चाकू को बकायदा धोकर अपनी जगह पर क्यों रखती? हेलो, ओके लिंक भेजिए। यस सर, एक मिनट ही आए। सर ये देखिए जिया का सोशल मीडिया प्रोफाइल। सर पिछले 3 सालों से जिया ने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन ये देखें 6 महीने पहले जिया ने ये वीडियो अपलोड किया था। Hi. Shocked? एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर को इस तरह देखकर, but you know, लाइफ ऐसी है, full of shocks. और ऐसा ही शॉक मुझे 5 साल पहले लगा था। 5 साल पहले मैंने जिसे अपना प्यार समझा वो मेरी गलती थी, और 5 साल मैंने जो सहा है वो किसी दुश्मन को भी ना सहना पड़े। ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो रही, पर नहीं, आज नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं फिर से जीने की कोशिश कर रही हूँ, मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे आपकी जिया रेगुलरली आपके लिए वीडियोस बनाती रहेगी। इस वीडियो में तो कितनी खुश दिख रही है लड़की, सुसाइड का कोई इंडिकेशन ही नहीं है, फिर अभी अचानक ऐसा क्या हो गया? और ये पुणे से नासिक क्यों आई? सर जिया और शरद दोनों का फोन अनलॉक करने में टाइम लगेगा, लेकिन सर कोर्ट से मैंने शरद की एक्स वाइफ प्रियंका का एड्रेस निकलवा लिया है। लेट्स गो सिद्धार्थ। Yes, तांबे सर, सोसाइटी के आसपास अच्छे से इंक्वायरी करो, इस जिया के हस्बैंड का पता निकालो किसी भी तरीके से। मम्मा मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए मम्मा। सर ये सब उस जिया के वजह से शुरू हुआ था। मेरे पति ने गरीब बच्चों के लिए एक फ्री ऑनलाइन क्लासेस का इनिशिएट किया था, और वो जिया पुणे से एज अ फ्रीलांस टीचर ज्वाइन किया था और अपने खूबसूरती के जाल में मेरे पति को फंसा लिया। लेकिन हमने तो सुना है कि आपका और शरद जी का ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा था। अगर वो चुड़ैल नहीं आती तो मैं अपने पति को मना लेती कि वो डिवोर्स ना ले, लेकिन वो आने के बाद शरद को और भी ताकत मिल गई थी। मुझे लगता है अब तुम्हें नासिक शिफ्ट हो जाना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। थैंक यू शरद, तुम पराये होकर भी मेरी इतनी मदद कर रहे हो। अच्छा अभी भी पराया हूँ। अजय, अजय, उसने शरद को खा लिया, अजय, उसने शरद को खा लिया, अजय। हमें पता चला है कि पिछले हफ्ते जाकर आपने जिया से लड़ाई की। हाँ तो क्या करती मैं? वो मेरे बच्चे से घर का काम करवाती थी, मारती थी उसे। हाँ, जिया आंटी को अच्छा नहीं लगता था कि पापा मुझसे ज्यादा बात करते थे, इसलिए जिया आंटी बोलती थी कि मैं पापा से दूर रहूं। ये सामान आपके हस्बैंड का है, आपके एक्स हस्बैंड का है। मैम इस बार काव्या की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं उसे भेज नहीं पाई, तो शरद खुद आ गया था काव्या का देखभाल करने के लिए। और फिर जिया ने उसे वापस बुला लिया और वो तुरंत लौट गया। हाँ। आज सुबह कहाँ थे आप लोग? घर पर थे। हाँ हम साथ में ही थे। साहब ये सच है या मेरा शक मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले कई महीनों से वो लड़का जिया मैडम के पीछे पड़ा था, वो डिलीवरी बॉय, वो रोज सुबह बिल्डिंग के गेट के सामने आके खड़ा हो जाता था। जिया मैडम जब अपने योगा के लिए जाती थी तो उनके पीछे हो लेता था, मैंने कई बार देखा है। स्केच बनवा सकते हो उसका? सब ये वो लोग हैं जो कल 10 से 12 के बीच में अंदर आए थे और बाहर गए थे, रेगुलर है उनके मैंने एंट्री नहीं की, जैसे दूध वाला, केबल वाला और वो काम वाली बाई। ठीक है
सर बाजू में मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवाई देने आया था यहाँ पे। सर मैं तो यहाँ ट्यूशन देने आता हूँ रोहन रौनक को, B2303 में। अच्छा ये जिया शरद की बेटी काव्या को सताती थी क्या? एक्चुअली जहाँ तक मैंने देखा है, जिया काव्या को बहुत पसंद करता था। हर वीकेंड में काव्या यहाँ आती थी तो उसके पसंद की चीजें, चॉकलेट्स, उसका स्नैक्स, वीडियो गेम्स, स्टोरी बुक्स सब कुछ लाके रखता था। शायद मुझे लगता है कि काव्या जिया को पसंद नहीं करता था। जब देखो तब उसका मुंह फुला हुआ ही रहता था। और एक बार तो ऐसा हो गया कि काव्या ने जिया को कमरे से बाहर निकाल दिया। काव्या! बेटा दरवाजा खोलो बेटा। बेटा मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। क्या सोन है बेटा? आप बहुत गंदी हो, I hate you। आप मेरे पापा को मुझसे छीनना चाहती हो ना? दूर हो मेरे पापा से, I hate you। आप बहुत गंदी हो। लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा झूठ बोलेगी? सर कहीं उसी झूठ की वजह से तो प्रियंका ने शरद और जिया को। एक काम करो, इस प्रियंका का नंबर ट्रेस पर डालो, देखो कि मर्डर वाले दिन वो कहाँ थी। यस। ठीक है, पूरे पुणे में उनकी फोटो सर्कुलेट करो। मैं ऑर्डर मिल करवा दूँ। ओके सर, जिया का भाई और माँ भाग गए सर, उनके घर को ताला लगा है। सर जिया के पति का भी पता लग गया, नीतीश जाधव नाम है सर उसका। मैडम परसों तो हम लड़की वालों के घर पे थे, नीतीश की एंगेजमेंट थी, आप चाहे तो पूछ लो उनसे। और हाँ मैडम, हम तो भूल भी गए वो जिया को। आपको पता है जब से वो घर छोड़ के गई है ना, उसने ये नीतीश को डिवोर्स दिया है और ना ही घर लौट के वापस आई है। मेरे भाई की जिंदगी बेकार करके रखी है उस लड़की ने। देखिए मैडम, हम लोग उसे कब का भूल चुके हैं। मारने पीटने वाले तो अक्सर भूल ही जाते, लेकिन जिया अभी भी डरती थी तुमसे। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं गलत था। उसके वीडियोस के ऊपर ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स देखकर मेरा खून खोलता था और यही वजह थी हमारे दोनों के बीच झगड़े की। तो जिया तुम्हें छोड़ के चली गई, ये तो और बर्दाश्त नहीं हुआ होगा तुम्हें, इसीलिए मारा ना उसे और उसके पार्टनर को। अरे मैडम ये क्या बोल रही है आप, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। हमें तो अभी न्यूज़ पे पता चला कि वो नासिक रहती थी और उसका मर्डर हो गया। ठीक है, जिस लड़की से तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है उसके डिटेल्स हमें। लड़की का नाम रेनू पाटिल है, दिगंबर पाटिल की बेटी। सर शरद और जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर जिया की मौत सर फटने की वजह से हुई और सर उसे मारने से पहले उसे मारा पीटा गया, उसके मुंह में कपड़े के ट्रेसेस भी मिले हैं। सर इसका मतलब है उसे पीटने से पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया होगा ताकि किसी को भी आवाज़ सुनाई ना दे। और सर टाइम ऑफ डेथ सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। और शरद? सर शरद की बॉडी पर कोई मारने पीटने के निशान नहीं है, पर उसके पेट पर 3 stab wounds हैं। टाइम ऑफ डेथ सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। अब हमारी परेशानी और बढ़ जाती है प्राची, क्योंकि मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट्स मिले ही नहीं। मेरा खून और तुम्हारा खून एक हो गया। सर पूछताछ में हमें एक सिल्वर वैन के बारे में खबर मिली है जो उस बिल्डिंग के बाहर हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन अब मर्डर के बाद से अचानक गायब है सर। सिद्धार्थ ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, सीसीटीवी का क्या हुआ? सर वो बारिश की वजह से आधे से ज्यादा तो खराब पड़े हुए, लेकिन सर जो भी मिले हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। एक दुकान अभी बंद है जिसका सीसीटीवी फुटेज चेक करना अभी बाकी है, क्योंकि सर उसका दुकान वाला कहीं बाहर गया हुआ है। कहाँ जा रहे? मैं राहुल शर्मा हूँ, जिया शर्मा का भाई। हमारी टीम पुणे में आपके घर गई थी, आप लोग वहां पर नहीं थे? सर हम तो न्यूज देखते ही यहाँ चले आए, मेरी बेटी की मौत ऐसी हुई, कम से कम
उसका क्रियाक्रम तो अच्छे से होना चाहिए था। मोम अबरूने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब जो भी हुआ है ना, जिया की खुद की गलती की वजह से हुआ है। उसने अपनी लाइफ में हमेशा गलत डिसीजन लिया, पहले वो नितेश फिर ये शरद। सर ना उसने कभी अपनी इज्जत की परवाह की, ना हम लोगों की। लगता है आपको आपकी बहन से काफी प्रॉब्लम थी। सर उसने नितेश से शादी की जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था, कैन यू बिलीव। उसका कहना क्या था कि नितेश उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर सर वो तो राक्षस निकला, उसने तो मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया था। सर मेरी बच्ची बिना चप्पल और पैसों के वहां से भागी अपनी जान बचाकर। उसने टैक्सी ड्राइवर के फोन से फोन किया, कहा नासिक जा रही है, वहां उसका कोई दोस्त है शरद, उसी के पास जा रही है, ऐसा बोली। आपकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसने अपने घर जाने के बजाय शरद के पास जाना सही समझा, जिसे वो पहले कभी मिली भी नहीं थी। सर वो हमारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे पता था नितेश वहां आ जाएगा, और नितेश के सर पे तो खून सवार था। आपकी बेटी से एक बार भी मिलने नहीं गई। मैं बताता हूँ सर जब हमें पता चला कि जिया का रिलेशनशिप किसी शादीशुदा इंसान के साथ चल रहा है, तो हमने उससे दूरी बना ली। उस शादीशुदा मर्द का डिवोर्स केस चल रहा था, इसमें आपकी बहन आपकी बेटी की कोई गलती नहीं थी। इन दोनों पर नजर रखो सिद्धार्थ। सर जिया का स्टॉकर मिल गया है। सर ये लड़का जो जिया का पीछा कर रहा है, सर ये काफी बार जिया के पीछे पीछे चलता हुआ दिखा है, ये दूसरा फुटेज। एक सेकंड, स्टॉप। ये शायद कोई डिलीवरी बॉय है, इसके कपड़े पे इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। सिद्धार्थ। यस सर। इस कंपनी से इस लड़के का एड्रेस पता करो। ओके सर। तांबे ताला तोड़ दो। तांबे ये तो पूरा साइको लगता है, फोन लगा था उसको। और शरद का फोन अनलॉक हो गया और बाकी सबके कॉल रिकॉर्ड्स भी आ गए। सर मर्डर वाले दिन सुबह 10:15 बजे जिया और शरद दोनों के बीच में चैटिंग हुई, मतलब जिस वक्त वो शायद योगा क्लास के लिए जा रही थी। यस सर। और सर उनके चैट के हिसाब से जिया का कोई पीछा कर रहा था, मतलब वो नितेश था या कोई और, ये उसने कंफर्म तो नहीं किया, बट सर उस मैसेज के इमीडिएट बाद ही शरद ने बोला कि वो घर आ रहा है। इसका मतलब ये बात सुन के शरद प्रियंका के घर से तुरंत निकल गया होगा, इसीलिए उसका सामान वहीं रह गया, और इसी बात का गुस्सा प्रियंका को आया होगा, और शायद इसीलिए प्रियंका ने और उसके भाई अजय ने शरद का पीछा किया होगा और शरद और जिया को मार दिया होगा। क्योंकि सर प्रियंका का फोन लोकेशन भी साईनगर एरिया में था, जिया के फ्लैट के आसपास ही, सुबह 11 बजे तक एक्टिव था, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया और फिर दोपहर को 1 बजे ऑन हुआ सर। और जिया को बिल्डिंग से फेंका गया 11:40 पर। और अजय का फोन? सर अजय का फोन लोकेशन उसके ऑफिस में ही दिखा रहा है। अजय ने जानबूझकर ऑफिस में फोन छोड़ा होगा ताकि हमें गुमराह कर सके। आप लोग फिर मुंह उठाकर चले आए। अजय, मेरा भाई, क्या हो गया? सर ये सब आप क्या कर रहे हैं? क्या करें? जब फैमिली आप लोगों जितनी झूठी हो तो ये सब करना पड़ता है, मतलब बड़े तो बड़े बच्चे भी झूठ बोलते हैं। आपकी बेटी झूठ बोल रही थी कि जिया उसे परेशान करती थी। काव्या, बताओ बेटा आप झूठ क्यों बोल रहे थे? उसने मेरे पापा को चुरा लिया। I hate her. यही
यही मोटिवेशन था तुम लोगों के पास जिया और शरद के मर्डर का। मर्डर के समय तुम दोनों उस एरिया में क्या कर रहे थे? सर हम बस मेरी एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे, वो म्यूनिसिपैलिटी में काम करती है। मैंने तो बस उसे कहा था कि किसी भी हालत में शरद के कोचिंग सेंटर बंद करवा दे और कुछ नहीं, मैं बस शरद को सबक सिखाना चाहती थी। और झूठ, तुम दोनों वहाँ जिया और शरद से बदला लेने गए थे। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, वो मेरे पति थे, मेरे बच्चे के पिता थे सर। आप तो हमारे पीछे पड़े हो, वो जिया के पति का क्या? खुद को बचाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। नहीं सर, 6 महीने पहले जीजा जी पर 3-4 बार अटैक हुए थे और इसके बारे में हमने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई थी। हाँ सर एक बार तो मैं भी साथ में थी सर। यार प्रियंका क्या जरूरत है फिजूल के पैसे खर्च करने की, तंग आ चुका हूँ मैं तुमसे। और मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे कंजूसी से। बैठो गाड़ी में। कौन हो तुम लोग? मतलब ऐसे ही मार के चले गए? हाँ 3-4 बार तो ऐसे ही हुआ था, जैसे ही जीजा जी रिकवर होते वो वापिस आता, अटैक करता और निकल जाता, ना कुछ मांगता ना कुछ बोलता। और ये अटैक्स बंद कब हुए? कुछ महीने पहले, अब जब शरद वो चुड़ैल के साथ साईनगर में शिफ्ट हो गया था तब। मुझे तो लगता है ये हमला जिया ने ही करवाया। प्राची, शरद पर अटैक की FIR और बाकी डिटेल्स मुझे चाहिए। सर वो स्टॉकर रियाज मिल गया। सर ये फाइल मिली है और ये चाकू है। तो जिया को स्टॉक करता था? सिर्फ इतना ही नहीं सर, ये पूना से जिया के पीछे पड़ा हुआ है और जब जिया यहाँ नासिक में आकर सेटल हो गई तो उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आकर पहुंच गया। जिया ने तुम्हें पहचान लिया था, इसीलिए तुमने उसे और उसके होने वाले हस्बैंड को मार दिया। जिया मेरे जीने का सहारा थी साहब, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, प्यार थी वो मेरा। ये अपने प्यार की डेड बॉडी की फोटो अपने घर में सजा के रखते हो? वो उसकी आखिरी फोटो थी मैडम। ये चाकू तेरे घर से मिला है, इसका क्या? ये मेरा ही है, मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की थी साहब लेकिन हो नहीं पाया। सर ये प्रियंका और अजय की अलीबाई क्लियर है, वो उनके दोस्तों के साथ ही थे। और सर ये नितेश भी लड़की वालों के घर पर ही था। सिद्धार्थ इनके ये दोस्त और रिश्तेदार सारे सारे झूठ बोल रहे हैं। सर एक मिनट प्लीज चलिए। सर शरद पे जो अटैक हुआ उसके 2 फुटेज मिले और ये दूसरा। सर इसमें से एक एरिया शरद के घर का है और दूसरा शरद के क्लासेस का। व्हाट्सएप ले करो। स्टॉप। इसके टी-शर्ट के पीछे कोई लोगो है। ये तो ब्लर है सर। क्लियर करो। यस सर। ये लोगो कहीं पर देखा है? हाँ सर, ये तो क्लासिक जिम का लोगो है। सब हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों लेकर आए यहाँ पे साहब? सब हमने कुछ नहीं किया साहब। ये तो वही है ना जो जिया के बिल्डिंग में था उस दिन। ये अटैकर तुम ही हो ना? नहीं नहीं साहब हम नहीं है ये। सर क्या प्रूफ है आपके पास? इस CCTV के आगे 5 और CCTV फुटेज देखी हमने, जहाँ तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। और प्रूफ देखना ना कोर्ट का काम। तुम तो मोटी बताओ क्यों अटैक किया शरद पे? सर मुझे तो डॉक्टर बनना था और शरद सर ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरा एंट्रेंस क्लियर करवा देंगे, लेकिन मैं फेल हो गया। सर मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया था, मुझे देखा नहीं गया। उस मास्टर को सबक सिखाने के लिए मैंने उस पर अटैक किया और फिर वो शिफ्ट हो गया और तुम लोगों ने अटैक करना बंद कर दिया है ना? जी सर। फिर मर्डर क्यों किया?
नहीं सर, मैंने मर्डर वर्डर नहीं किया सर। सर मर्डर करना होता हम उसी दिन कर देते, और सर मैं तो उस दिन था ही नहीं वहाँ पे, मैं तो जिम में था, कैमरा लगा हुआ सर, देख सकते हैं वहाँ पे आप। मैं तो पूरा टाइम वो B2303 में था सर, पढ़ा रहा था सर मैं। सिद्धार्थ इनकी एलिवाइज चेक करो और इन पर असॉल्ट और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाओ। सर प्लीज प्लीज सर हमें जाने दो सर। अरे सर अगली बार नहीं होगा सर। नहीं करेंगे सर। सर नहीं करेंगे सर। सर मैंने जिया से जुड़े हर सस्पेक्ट की हिस्ट्री चेक की, ये देखिए सर क्या मिला। सर ये देखिए, एक महीने पहले जिया के वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि ये पुणे वाली तो अब नासिक वाली बन गई है, मैंने इसे देखा है साईनगर में। सर ये देखिए, हमारे प्राइम सस्पेक्ट ने नासिक के बारे में काफी सर्च किया था। सर मर्डर वाले दिन वो नासिक में था, इस बात का अभी भी कोई प्रूफ नहीं। सीसीटीवी फिर से चेक करो, पुराने फुटेजेस निकालो, और तामे सर वो जो एक शॉप बंद थी ना, किसी तरह से उसकी फुटेज निकालो। यस सर। कोई तो सोसाइटी के अंदर या बाहर गया होगा, किसी ने तो इसे देखा होगा, सारे विटनेसेस से फिर से बात करो। यस सर। सर उस बंद होगा का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। प्राची सर प्ले करो। सर ये मर्डर के 3 दिन पहले का फुटेज है। नेक्स्ट डे का प्ले करो। सर एक मिनट। सर ये फर्स्ट डे पे देखिए, ये कार यहाँ पे पार्क्ड है, ये सेकेंड डे पे भी ये कार यही पे है, और सर देखिए तीसरे दिन भी यही पार्क्ड है, और सर मर्डर के बाद के फुटेज में ये कार दिख नहीं रही है। नंबर प्लेट पे ज़ूम करो। यस सर। इस नंबर से कार किसके नाम रजिस्टर्ड है पता करो। सर ये कार तो किसी दिगंबर पाटिल के नाम पर रजिस्टर है। दिगंबर पाटिल? सिद्धार्थ ये तो वही है ना, नितेश का फादर इन लॉ। उठाओ इस नितेश को। यस सर। हम काय के? अरे अरे क्या क्या हुआ है? अरे हमने कुछ नहीं किया, ये क्या कर रहे हो आप? इस कार में तुम तीनों 3 दिन तक ताक लगाए बैठे थे ना, एक दिन तुम्हारी बहन ने नजर रखा, एक दिन तुम्हारे जीजा विशाल ने, और एक दिन तुम। उस दिन तुम लोगों ने उसको बिल्डिंग में फॉलो किया तकरीबन 11:20 पर, और उसके बाद तुम लोगों ने उन दोनों को मार दिया। नहीं नहीं सर आप ये क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। और उस वॉचमैन को तुम लोगों ने पैसे वैसे खिलाए थे क्या? नहीं नहीं सर, वो बाथरूम गया था तब हम तीनों। वेरी गुड, अब बताओ कि मारा क्यों? मैं जिया का अकाउंट स्टॉक कर रहा था, और उसमें मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि वो नासिक में साईनगर में रहती है, और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि वो मुझे छोड़कर किसी पराए मर्द के साथ अय्याशी कर रही थी, और वो बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैंने दीदी और जीजा के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया। किडनैप करके एक लड़की से जबरदस्ती शादी की, और फिर उसी लड़की को मार मार कर भागने पर मजबूर कर दिया। वो कार किसकी थी? रेनू पाटिल, मेरी होने वाली बीवी। उससे मैंने कहा था कि मेरी कार खराब हो चुकी है, तो उसने मुझे अपनी कार दे दी। अब तुम तीनों जेल में सड़ना। सर
सर सुनिए ना सर, सर प्लीज सर, सर सुनिए सर प्लीज। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.